हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑटो टेक इन्फो। मैं हूं आदित्य और आज अपने पास है 125C सेगमेंट के अंदर में आने वाली काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी और मतलब काफ़ी अच्छी लुक्स प्रोवाइड करने वाली मोटरसाइकिल आज अपने पास, यानी कि बजाज पल्सर NS125 है। अब ये NS125 जो है, यहाँ पर अब आपको काफ़ी सारे अपडेट्स मिल जाते हैं, तो उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में जानेंगे क्या कुछ यहाँ पर अपडेट हुए हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको डिस्क में थोड़ा सा बदलाव मिलेगा, अलॉय व्हील के डिज़ाइन में बदलाव मिलता है और इसमें आपको टायर के साइज़ वगैरह में भी बदलाव मिलता है। तो सबके बारे में आज हम लोग डिटेल में जानेंगे क्या यहाँ पर चेंजेस मिलते हैं, क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस है और क्या इसकी आपको प्राइसिंग मिलेगी, सबके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, मतलब यहाँ पर आपको कितने कलर वेरिएंट्स मिल जाते हैं NS125 के अंदर में। तो यहाँ पर आपको टोटल 4 कलर मिलते हैं। अब जैसा कि एक फियरी ऑरेंज आपको मिलता है, अपने पास का बर्न रेड कलर है जो कि मतलब काफ़ी कम दिखता है, काफ़ी यूनिक कलर है वो अपने पास है। बाकी एक आपको ब्लू कलर मिल जाता है, एक आपको ग्रे कलर भी मिलता है। तो ये अपने पास बर्न रेड कलर है जिसकी आप पूरी प्रोफाइल पहले देख लीजिए, कुछ ऐसी मिल जाती है। अब सबसे पहले यहाँ पर जो अपडेट है वही मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला जो अपडेट है वो इसकी डिस्क को लेकर है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डिस्क बढ़ाई गई है, ABS आ गया या क्या कुछ है, यहाँ पर आपको कुछ भी चेंज नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो साइज़ है वो वही मिलता है 240 mm का यहाँ पर डिस्क ब्रेक का। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर आपको जो पेडल डिस्क आती थी ना, इसमें उसको हटाकर ये नॉर्मल वाली डिस्क दे दी गई जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि मतलब एक तरीके से चेंज ही है। क्योंकि यहाँ पर पहले वाली जो इनकी NS आती थी वहाँ पर आपको पेडल डिस्क मिलती थी। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पुरानी वाली अपने पास NS125 है। यहाँ पर आप देखो अगर पास से तो ये आपको पेडल डिस्क मिल जाती थी जो कि मतलब काफ़ी सही थी, लेकिन अब इसके अंदर में यानी कि ये नई वाली के अंदर में आपको नॉर्मल वाली डिस्क देखने को मिलती है। तो ये आपको अपडेट मिलेगा। साथ ही मैं आपको दिखाऊं तो फ्रंट में यहाँ पर आपको 90x90 सेक्शन का टायर मिलता है 17 इंचेस के अलॉय व्हील के साथ में, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर ग्राफिक्स मिल जाते हैं। और जो अलॉय व्हील का डिज़ाइन है ना, ये भी चेंज है। मैं आपको दिखाऊं अगर तो आप यहाँ पर देखो ये अलॉय व्हील का जो डिज़ाइन है ना, इसमें आपको नया मिलता है। मैं आपको दिखाऊं पुरानी वाली से कंपेयर करके, तो ये आप देख सकते हैं इसमें कुछ ऐसा आपको अलॉय व्हील का डिज़ाइन मिलता था, लेकिन यहाँ पर जो इस वाली वेरिएंट के अंदर में आपको अलॉय व्हील डिफरेंट देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ है कि अलॉय व्हील और डिस्क के डिज़ाइन में आपको चेंज मिलेगा। और रियर का जो टायर है ना, वो भी अब चौड़ा कर दिया गया है पहले से। अब इसके अंदर में आपको 120x80 सेक्शन का टायर मिलेगा, काफ़ी वाइड, जिसकी मतलब डिमांड थी कि NS के अंदर में टायर और चौड़ा होना चाहिए और चौड़ा होना चाहिए। तो फाइनली अब कंपनी ने यहाँ पर 120x80 सेक्शन का जो है टायर दे दिया है, जिससे कि इसकी ग्रिपिंग कॉर्निंग और ज़्यादा अच्छी होने वाली है। अब हम लोग आते हैं इसके फ्रंट से। तो यहाँ पर आपको पहले तो यहाँ पर पूरा LED हेडलैम्प मिल जाता है, जो कि अभी NS के अंदर में आ रहा था वही सेम हेडलैम्प है, हेडलैम्प में कोई चेंज नहीं है। और यहाँ पर आपको मैट के अंदर में ये बर्न रेड कलर मिल जाता है। बाकी इसका थ्रो काफ़ी अच्छा आपको मिलता है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर DRL का डिज़ाइन आपको मिलता है। यहाँ पर आपको बजाज को मेंशन कर रखा है। ट्रांसपेरेंट विंडशील्ड आपको मिल जाती है। बाकी हेलोजन बेस्ड यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर मिलते हैं। साथ ही नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन इस तरफ है और इसका मडगार्ड ऊपर में यहाँ पर आपको कार्बन फाइबर के स्टिकर्स मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इतना कुछ जो मैंने बताया आपको अपडेट मिलेगा। साथ ही नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर क्रैश गार्ड मिल जाएंगे। और इस बाइक के अंदर में आपको रेडिएटर नहीं मिलता, लेकिन रेडिएटर के फील के लिए यहाँ पर ये दे रखा है। आप देख सकते हो ये खाली है, लेकिन यहाँ पर आपको मतलब फिनिश दे रखी है फाइबर बॉडी के अंदर में। बाकी यहाँ पर 125 को मेंशन कर रखा है वाइट के अंदर में। और ये मैट कलर जो है ना, इसका काफ़ी यूनिक कलर है और काफ़ी अग्रेसिव कलर है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और डार्क कलर के अंदर में आता है ना, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। बाकी यहाँ पर अगर आप देखते हो तो पल्सर को मेंशन कर रखा है, जो कि यहाँ पर 3D में पल्सर को मेंशन कर रखा है सिल्वर एंड ब्लैक के साथ में। और 12 लीटर का यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक मिलेगा। 125cc के अंदर में ये बाइक आती है, लेकिन जो इसका मतलब लुक और डिज़ाइन है, जो मतलब इसकी मतलब एक तरीके से आप देखो तो काफ़ी नेकेड टैंक मिल जाता है, तो काफ़ी मतलब भरा भरा लगता है। और साथ ही साथ अगर आप देखो तो काफ़ी स्पोर्टी भी लगता है, E20 कंपेटेबल ये मोटरसाइकिल रहने वाली है। अब नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको टैंक पैड मिल जाता है, इस तरफ फ्यूल इंजेक्शन मेंशन कर रखा है, स्प्लिट सीट मिलती है इसके अंदर में। और इसकी सीट का मतलब कुशन काफ़ी ठीक ठाक मिलेगा राइडर के लिए, जो है आपकी सीट जो है काफ़ी अच्छी मिल जाती है आपको, मतलब स्पेस काफ़ी अच्छा मिलेगा। पिलियन के लिए भी काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी यहाँ पर NS125 को मेंशन कर रखा है। इस तरफ नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको 5-speed गियरबॉक्स सिस्टम मिलेगा, 1 down 4 up। फुटपैक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर आप देखते हो इस तरफ तो यहाँ पर आपको मिल जाता है साइड चेंजर कट ऑफ, ओपन चेंजर कवर मिलेगा फाइबर के अंदर में, जो कि आप देख सकते हो। और रियर में आपको मोनोशॉक मिल जाते हैं सस्पेंशन का सेटअप, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। और इस तरफ आप अगर देखो ये, तो यहाँ पर टायर अगर मड फ्लैप दोनों चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या है कि 125cc की बाइक है, नेकेड बाइक है, स्पोर्ट बाइक है, फिर भी यहाँ पर आपको लेडीज़ फुटरेस्ट दे रखा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी साड़ी गार्ड मिलेगा और रियर से बाकी यहाँ पर अगर देखो टेल सेक्शन के रिलेटेड ये कोई आपको यहाँ पर चेंजेस नहीं मिलेंगे, ये सब आपको वही सेम मिलता है। और रियर में आपको इसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो 130 mm की ड्रम ब्रेक ही मिलेगी। बाकी इस बाइक में स्पेशल क्या है कि यहाँ पर आपको अंडरवैली एग्जॉस्ट मिलता है, जो कि सेगमेंट की बहुत ही कम बाइकों में मिलता है। यानी कि मैं आपको बताऊँ अगर जैसा किसी कंपटीटर हैं एक्सट्रीम 125R, वहाँ पर भी आपको ऐसा एग्जॉस्ट नहीं मिलेगा।
रेडर 125 उसमें भी नहीं मिलेगा, एसपी वगैरह में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको अंडर वैली एग्जॉस्ट मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, किक भी मिलेगी, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। बाकी मीटर कंसोल में आपको इसका दिखाऊँ, उससे पहले आप बार हैंडल देखो, तो स्पोर्टी क्लिप ऑन वाली बार हैंडल है जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है। मतलब जब आप इसको मतलब हाई स्पीड में राइड करोगे तो मतलब आपको जो मतलब वाइब्रेशंस हैं वो बहुत ही कम मिलेंगी। बाकी यहाँ पर आप देखो तो पासिंग का स्विच हाई विंडो का मिल जाएगा, इस तरफ से आप इसके मीटर कंसोल को एडजस्ट कर पाएंगे। बाकी टर्न इंडिकेटर हॉर्न है, क्लच कैलिपर काफ़ी लाइट आपको मिलता है। बाकी बार एंड के साथ में आप इसके मिरर का डिज़ाइन भी देख सकते हो, इस तरफ आपको इंजन किल मिल जाता है, शेल्फ मिल जाता है। बाकी मीटर कंसोल आप देखो तो इसको आप यहाँ से मतलब इसका जो मीटर कंसोल है फुल डिजिटल मिलता है। यहाँ पर गियर पोजिशन इंडिकेटर मिलेगा, गियर न्यूट्रल इंडिकेशन, RPM मीटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर के साथ में लो फील वार्निंग लाइट, यहाँ पर चेक इंजन, और यहाँ पर जो ये लाइट है ना ये ग्लो करती है, मैं आपको दिखाऊँ अगर, ये देखना आप यहाँ पर, तो मतलब काफ़ी सही लगता है। बाकी यहाँ पर एक USB पोर्ट मिल जाता है अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने के लिए, साथ ही यहाँ से भी आप इसके मीटर कंसोल को यानी कि ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी वाला ऑप्शन वगैरह भी देख सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी, जिससे आपको कॉल SMS वाले फीचर भी इस बाइक के अंदर में मिल जाते हैं। तो है ना मतलब 125cc में आती है, काफ़ी अच्छी चीज़ें ऑफर करती है। अब इंजन से रिलेटेड बात करें अगर हम लोग, यहाँ पर आपको मिलता है 124.45cc का एयर कूल्ड फोर स्ट्रोक फोर वेल्व SOSC इंजन, जो कि आपका 11.99 PS की पावर देने वाला है 11 Nm टॉर्क के साथ में। इस बाइक का पावर फिगर काफ़ी अच्छा मिल जाता है। बाकी इसमें आपको और 45 to 50 km तक की ओवरऑल माइलेज मिल जाएगी, बाकी आपकी राइडिंग के ऊपर डिपेंड करता है और बाइक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही यहाँ पर आपको 805mm की सीट हाइट मिलती है, 179mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, इंजन गार्ड वगैरह मिल जाता है, और 125cc में काफ़ी शानदार लुक भी मिल जाती है। आप डिमांड क्या थी कि यहाँ पर आपको जो टायर है थोड़ा चौड़ा मिलना चाहिए, वो कंपनी ने कर दिया है। साथ ही डिस्क ब्रेक और अलॉय व्हील में भी आपको चेंजेस मिल जाते हैं डिज़ाइन को लेकर, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब प्राइसिंग रिलेटेड बात करें, बजाज पल्सर NS125 के ये नए वाले वेन की आपको प्राइस मिलती है डिजिटल मीटर के ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में 1,32,600 रुपये, यानी कि 1,32,600 रुपीज़ इस बाइक का आपको ऑन रोड जो है प्राइस मिल जाएगा कानपुर के अंदर में। बाकी 125cc में अगर आपको स्पोर्ट्स बाइक चाहिए नेकेड के अंदर में, तो ये आपके लिए काफ़ी सही रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको लुक काफ़ी अच्छी मिल जाती है, प्राइस भी इसका काफ़ी ठीक ठाक आपको मिल जाएगा। साथ ही अगर आप देखोगे ना तो ये चेंजेस आपको मिल जाते हैं, चौड़ा टायर भी मिल जाएगा और पूरा डिजिटल मीटर मिलता है, तो काफ़ी सही है। बाकी अगर आपको इसको परचेज करना है तो आप वेट कर सकते हैं, सोसाइटी बजाज मैक्रॉबर्टगंज खलासी लाइन, जिसका पूरा एड्रेस आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप यहाँ से आके बजाज की लाइन में किसी भी बाइक को परचेज वगैरह कर सकते हैं। उसी के साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट रह गया हो इस बाइक से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।